गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Wait 2 to 4 minutes. Yes, sir. Now start. Only 10, 9. हाँ सर। और लोग कहाँ हैं? मौसम खराब है ना सर, कहीं लाइट वाइट नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा डिस्चार्ज। चलो कोई बात। नहीं भैया सर। Actually, you send the mail ID. Anyone? Are you shared in group? कोई अपना वो send करोगे तब ना, क्या किसमें क्या मतलब वो insta किसमें बोल रहे थे, telegram पे ना send करने के लिए? सर ईमेल पे जिसमें सेंड कीजिएगा सर, ईमेल में सेंड तो नहीं जा पाएगा। एक्चुअली दिस साइज वेरी बिग, 100 something MB, सॉरी MB, मेल पे नहीं जा पाएगा। ठीक है सर, टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। ओके हम मैसेज कर देंगे। या कोई एक मैसेज कर देना हमको, जो मेरा सर हम कर देंगे। नंबर है वही शायद होगा मेरा, जो उसमें तुम लोग ग्रुप में शो करता है। ठीक है, हम लोग फिर दिस ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फेयर ऑफ द रिपेयर जॉइंट, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। एनीवन एनी डाउट्स फॉर दिस ईयर फेयर ऑफ प्लेट? यस और नॉट? डाउट था किसी को?
No, sir. I already discussed. Then this is a tearing tension failure of plate. This is a tearing tension failure of plate at the failure location. Tensile strength plate exceeds the permissible rivet. This is a exceed the rivet. Okay, how to failure the tearing and the this tension failure of plates? प्लेट में कैसे फेलर होता है? दिस द मेनी टाइप एक्सीड द नंबर्स ऑफ रिवेट्स. एक्चुअली ए डिपेंड करता है तुम लोगों को जब गैप जो पीच गैप जो गेज लाइन जो ये रहता है ना, तो उसको हम लोग अगर प्रॉपरली अगर तुम फॉलो नहीं करते हो एंड प्रॉपरली नहीं तुम उसको सेटअप करते हो, दिस इज फेलर द प्लेट. एक्चुअली इसमें क्या है, अगर रिवेट हम एक यहाँ पे पुट कर रहे हैं, एक यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक यहाँ पे कर रहे हैं, रैंडमली यूज करते हैं. कहीं भी क्या होता है, अनस्किल्ड जो मैन पावर होते हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, रैंडमली यूज करते हैं, बट नॉट यूज द रैंडमली द रिवेट. दिस इज द फेलियर द प्लेट. रैंडमली यूज द रिवेट द देन गेट द रिजल्ट द फेलियर द प्लेट. दिस इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट एक्सीड द परमिसिबल द रिवेट. This is the tearing and tension failure of the plates. Not use the randomly. Use the properly way, proper way of the rivet. Okay. This is the last slide of the rivets. The bearing failure of plates. When bearing a stable plate exceeds the permissible limit, then crossing the plate takes place. This is the given. Okay. This is the bottom plate, this is the top plate. How to failure? This is the hole in this form. Okay. Given in the plate. Okay. Then a bearing failure of rivets. When plates are stronger than rivet in bearing than bear, is there a possibility that rivet may get crushed around the half circumferences? ओके इसमें क्या है, जो हम लोग जब रिवेट प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए होल एक प्रॉपरली वे पे होल किया जाता है, बट नॉट यू होल द प्रॉपर वे. दिस द क्रस्ट अराउंड द हाफ सर्कमसेस. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ उसका फूल तुम तो नहीं कर उसको होल कर सकते हो ना, क्रस्ट कर सकते हो, सिर्फ ओनली द फॉर द संक जिसमें हम लोग का सिर्फ जो रिवेट का जो पार्ट है जो दिस पार्ट इन इन द होल, not the this part, not the this type of hole. This is the due to the failure of the rivet plate. So this is the last slide of the rivet joint. So all are discussed about the rivet types of rivet. Okay, double, single, butt joint, all are discussed. It's the rivet. Then now start bolt connection. Anyone define the bolted connection? What is the bolt? Kya hota hai tu batayega? सब तो जानता है, नट बोल्ट सब जानता होगा. या जैसे कुमार मिलन. यस सर. ओके यू आर द शेयर द इंस्टाग्राम ना, इसी पे शेयर कर देंगे ना आपको. टेलीग्राम सर. ओके ओके टेलीग्राम सर. यस सर. या ओके ठीक है. आई टुडे शेयर द दिस नोट्स. जो एक्चुअली हम लोग तुम लोग को नोट्स जो शेयर करेंगे जो हैंड रिटन नोट्स. ओके तो उसमें तुम लोग ओके सर उसमें तुम लोग पढ़ना. एक्चुअली देखो पहले तुम पढ़ गए होगे तब तुमको समझ में आएगा ना, हम तो ऐसे पढ़ा देंगे कि तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं. अगर न्यूमेरिकल पोर्शन तुम लोग उसको डेली जब क्लास से पहले तुम लोग पढ़ना उसको, तो तुम लोग यहाँ पे आओगे तुम लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. ओके सर. ओके व्हाट इज द बोल्ट. This is what is a bolted connection.
A bolt is a metal pin with a head form at one end and shank threaded at the other end in order to receive a nut. यही होता है ना, एक मेटल का होता है ऊपर एक शंक होता है, हेड होता है, और जो उसका शंक होता है उसमें थ्रेड बना रहता है एंड टाइट द नट इमेज दिस। ये देखे हो तुम लोग कि नहीं देखे हो? देखे हैं सर। जनरेशन लाइफ में यूज होता है, जनरली यूज करते हैं हम लोग। तो दिस इज द थ्रेड ओके, दिस इज द थ्रेड नट। इसमें नट कौन सा है बताओ? नट इज अ गिवन, इज अ नट, इज अ थ्रेड ओके। भूषण जी माइक ऑफ कीजिए, म्यूट करो भूषण। ओके, तो दिस इज द थ्रेड लेंथ, this is the thread length and this is the grip length okay, this is the nominal length is the total grip plus thread length, so this is the bolted connection this is one of the basis of load transfer in the connection bolt are classified as this is a bearing type and the fixing grip type. This is the basis on the load transfer. There are two types of connection. This is a bearing type connection and the friction grip type. Okay. So this is the bolt and nut, thread, runout, shank, radius, all are given. Okay. The types of bearing bolts. There are two types of bearing types of bolt, namely unfinished or black bolts. You are see the black bolts, unfinished. There are two types of bearing types bolt. This is a unfinished one is the unfinished and second one finished. Means the black bolts and turned bolt. Unfinished or black bolts, the shank of black bolts are unfinished. That is rough as obtained at the time of rolling. Okay, the shank is the black. It's not the finished way. This is the unfinished. This is found the rough. Okay. And then the four black bolts, diameter of bolt's hole is larger. This is the bolt hole is the larger. Used to most of the work. Okay, this is the black bolts using the large of the work. This is very big work. And the black bolt is represented in the M16, M20. What is the M16, M20? Which means black bolt of nominal diameter 16 mm, black bolt nominal diameter 20 mm. So what is the M16 and M20? M is identified by the nominal dia. Nominal dia. Nominal dia means the 16 diameter. Sir, mix. No anyone. कोई बताओ, ये तो बहुत इजी है, तुम लोग सब पढ़े हो. मैट्रिक बोल्ट, मैट्रिक फोल्ड बोल्ट क्या सर? जिस तरह कंक्रीट में M16, M20, M15, M20 होता था ना, कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट कनेक्टेड बोल्ट, स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोल्ट सर, इसीलिए इसी तरह ये बोल्ट में भी रिप्रेजेंट करने के लिए M16 एंड हां गुड M15 नंबर सत्तर। The M is the M15 20 concrete में M is the indicate the mix and the sixth M5 is the compressive strength of concrete. But M represent the suppose is the M16. This is the black bolt represent the M16. The M क्या indicate कर रहा है? Top mix design. क्या? This is the M is the metric unit. M is the represent metric unit. Okay. Yes. In mm.
and the 16 and 20 is the represent the nominal diameter of the bolt. Okay, not is the mix, not is the जो तुम लोग क्या बोल रहा था m only represent the metric unit in mm. This is the m. This is the your metric unit and 16 is the nominal diameter of the bolt. So how to find the area of shank? Can you give the formula? कैसे फाइंड करोगे एरिया उसका? Pi by 4 into d square. Yeah, pi by 4 into d square. Pi by 4 into d square. Yeah, into d square. Into and d the net area. How to find the net area? Area of shank plus area of thread. Area of shank plus area of thread. Good. तो क्या होगा नेट एरिया का फॉर्मूला? बताओ सिक्स में पढ़े हो गए ना? सपोज तुम्हारा जो एस है एरिया ऑफ शैंक यही था ना, इसका इमेज कैसा होगा? तुम इसका जो है ऐसा इस टाइप का विजिबल होगा, तो जो तुम्हारा इसका है ये तुम्हारा डी है डायमीटर, इसका ए एरिया ऑफ शैंक निकालने का फॉर्मूला तुम मुझे बोला पाई बाई फोर ओके डी स्क्वायर देन, तो इसका तुम्हारा क्या होगा नेट एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेट वैसे ए नेट, ए नेट तुमको निकालना है, फाइंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? तो लोगों को तो याद होगा, तो लोगों फ्रॉम द अपने से याद करो 0.78 ये होता है ना 0.78 इनटू एस एस बीस पाई बाई फोर डी स्क्वायर यही फॉर्मूला होता है ना एरिया ऑफ नेट। ठीक है यस सर ओके देन नाउ इज द ब्लैक बोल्ट इज रिप्रेजेंट द एम 16 एम 20 इज द एम इज अ मैट्रिक टन यस मैट्रिक यूनिट ओके एंड द 16 एंड 20 इज द nominal diameter of the bolt. Okay, this is the black bolt nominal diameter 20 mm 16 mm. Okay, this is the unfinished black bolt. Now finished or turned bolt. The turned bolts are obtained by turning hexagonal shank to circular shape. All are seen. Hexagonal shank. नहीं देखे हो एक राउंड एक्सेप्शन होता है ना? यस सर यस सर देखें या द बोल्ट इज ओनली 1.5 एमएम लार्जर, दिस द बोल्ट होल डायमीटर इज द ओनली 1.5 एमएम लार्जर देन दैट ऑफ द शैंक इज द केस ऑफ द टर्न बोल्ट। ओके दिस बोल्ट आर यूज्ड टू अ स्पेशल जॉब लाइक कनेक्टिंग मशीन पार्ट्स सब्जेक्ट टू डायनेमिक लोडिंग। हम लोगों को टू टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ना है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। कनेक्शन आर डिवाइडेड टू पार्ट्स, वन लोड इज द डायनेमिक लोड एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक लोड कनेक्शन। यू आर नेक्स्ट क्लास यू रीड द कनेक्शन डायनेमिक लोड एंड स्टैटिक लोड। ओके दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन शुड बी, दिस इज फर्स्ट वन इज पिच गेज डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस। व्हाट इज द पिच? It is the distance between the center to center spacing of the bolt in a row measured along the direction of the load. This is the pitch. And the gauge distance is the distance between the two consecutive bolts of adjust the row and is the measured at a right angle to the direction of load. Okay. And the edge distance
is the distance of bolt hole from the adjacent edge of the plate. This is the terminology of the bolt connection. You all are seen. This is the pitch. Clear? इसमें कुछ लोग समझ आ रहा है ना. This is the pitch. The spacing distance between the two bolt and the gauge line. This is the okay. This is the row wise and the P is the A distance. क्या होगा A distance इसमें? बताओ पीच गेज एंड एज डिस्टेंस क्या होता है फ्रॉम द प्लेट ऑफ द कहां से इसको डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेट ओके दिस इज द एज इज द एंड ऑफ द प्लेट एनी डाउट इसमें कोई डाउट है इसमें तुम लोगों को कोई कुछ बोल नहीं रहा किसी को डाउट नहीं है बोल रहे नो डाउट ओके यू ऑल आर नोन द ग्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स दिस इज अ ग्रेट क्लासिफिकेशन द ग्रेट क्लासिफिकेशन बोल्ट इज द इंडक्टिव द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ऑफ द बोल्ट द टू ग्रेड ऑफ बोल्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आर 4.6 एंड 8.8 दिस आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेट मटेरियल यूज्ड द 4.6 एंड Gate 8.8. So what is the value of gate of 4.6? The FUV. The 4.6 gate 4 indicate that the ultimate tensile strength of bolt. Okay, this is a 4 is the 4.6 gate. This is a 4 indicate the ultimate tensile strength of bolt. What is the FUV? The FUV is the 4 into 100. Okay, this is the 400 newton per mm square. This is the ultimate tensile strength of the bolt. Okay, and the 8.8, the 0.6. 100. The 0.5 is 0.6 ultimate strength. The 0.6 indicate that the yield strength of the bolt. There are two types of use commonly: 4.6 and 8.8. The same condition, 8.8 if you be. Yeah. हम लोग जो FUV find किए 100 से क्यों multiply किए तुम क्या FUV जो find किए ना ultimate tensile strength तो उसमें 4 into 100 तो 100 से क्यों multiply 100 से क्यों multiply करते हैं yes sir इधर 100 इज यूनिट यूनिट व्हाट द गिवन रहता है इसका ना ऑलरेडी इज ऑलरेडी हाईएस्ट इन हाईएस्ट कोड 100 इज अ गिवन फॉर द बोल्ट इफ यू बी जो हम लोग का यूनिट होता है ना यूनिट यूनिट वेट 100 द इफ यू बी इज द 400 दिस इज न्यूटन एम स्क्वायर वेट फाइंड द 400 एम स्क्वायर द फॉर द 0.6 इज ऑलरेडी गिवन इज अ फार्मूला द FUV इज अ 0.6 अल्टीमेट स्ट्रेंथ Okay, the ultimate strength to find the gate FUV is the ultimate strength. This is the 0.6 of 400. The last one is the. Okay, so this is the F5 is a formula 0.6 into ultimate strength. The ultimate strength is given by from the FUB. This is 4 into 100. Same condition, suppose you get the 8.8. 8.8 means the how to get the 8? This is the 8, sorry. Yeah. The 8. Suppose you first use the for the grade 4.6 to indicate the 4 is the ultimate tensile strength. So suppose this is 8.8. 8.8 mein kitna hoga?
एफयूवी 800 सर 800 ओके एंड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ 640 या गुड इज द एफयूवी इज इक्वल टू 640 दिस आर ऑलरेडी गिवन द आईएस कोड यू आर यू ऑल आर हैव द आईएस कोड यस और नॉट यस सर यू हैव Okay, you see the IS code. The all our details are given in the IS code. Sir, page number? Not in the learn the page number. Actually, I have not currently IS code, but you all details are mentioned in IS code. Okay. Actually, जो तुम लोगों को notes देंगे उसमें शायद उसमें लिखा होगा. ठीक है. हमको page number याद नहीं कि कौन सा page number दिया हुआ है, but देखना उसमें दिया हुआ है. क्लॉज नंबर सर क्या क्लॉज आईएस कोड लोग पढ़ने आता है पहले फर्स्ट रीड करने आता है यस सर यस रीड करना उसमें देख लेना उसमें दिया हुआ है जहां पे कनेक्शन का पार्ट होगा वोल्टेज कनेक्शन का उसमें दिया है ठीक है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला ठीक है ये सारा फॉर्मूला उस गिवन है रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका देन नाउ सेम इज द 08.8 दे ऑल आर गिवन हेड ऑफ बोल्ट दिस इज द यील्ड स्ट्रेस F5B अल्टीमेट स्ट्रेस F2B दिस इज स्टैंडर्ड गेज ऑफ बोल्ट इज गिवन इन टेबल बिलो दिस इज गिवन इन टेबल दिस इज द गेज ऑफ बोल्ट The ultimate this is 4.6, 5.6, 6.5, 6.8, 8.8. So normally I only use the 4.6. Normally हम लोग क्या use करते हैं 4.6 और 8.8. Okay, this is the minimum and maximum. This is the ultimate strength 0.200, 500, 6. This is the first is 5, 6, 7 जो भी दिया इसमें given दिया हुआ. This will find the ultimate stress. And this is the yield stress. FYV 0.6 multiplied 0.6 into the ultimate stress to find the get the result. Okay. Yes, sir. No problem. No, sir. Okay. This is specification. This is a full connection C section tail code IS 800-2007. ये देखना code. ठीक है ऑल आर गिवन द पीस पीस सो नॉट सेल नॉट बी लेस देन द 2.5d एंड द डी इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट एज द क्लॉज सी द 10.2.2 इज द कोड आईएस दिस 800-2007 वन मिनट पावर इज कट हेलो यस सर यस सर यानी लाइट चला गया था देन दिस इज स्पेसिफाइड और गिवन द आईएस कोड द क्लॉज नंबर इज द 10.2.3.2 द कोड हियर इज द दिस 800 तुम्हारा कोड यही होगा तुम्हारे पास ना यस सर यस सर ओके ऑल आर द गिवन यह 12T is thickness 2200 mm, which is rather less in the case of compression member where T is the thickness of the thinnest member. Okay, the 12T, yeah, 200 mm. This is the specification of the bolt connection. In case of the stress pitch, the pitch may be increased by the 50% of the value specified of the provided gap distance is less than 25 mm, and the C the clause 10.2.3.4.
Okay, but this is the given, the pitch may be increased by 50%. Okay, the value of the gap distance is less than 25 mm. You see the this clause. Okay, in case of butt joint, maximum pitch is to be restricted to 4.5 D. In case of butt joint, and the distance of the 1.5 times the width of plate from the butting surface. Okay, and then the gauge length G should not more than 100 plus 40. Yeah, 200 mm. Whichever is less, the T is the thickness of the thin plate, and the fifth is the minimum edge distance shall not be is less than 1.72 hole diameter in case of sheared or hand flame cuttings. Okay, and is the less than 1.5 hole diameter in the case of rolled machine flame cut, and shown a playing days. This is a see the clause 10.2.4.2. Okay, so these are the specification given. Okay, yeah, how do they use the pitch distance, edge distance? I already the your IS code given. You see the clause. Okay, then now is the maximum edge distance is should not exceed. Okay, the 12T is where E is equal to 250 by Fy. The T is the thickness of thinner outer plate. The C clause this. All our formulas, all our details is the given in the your IS code. You see the IS code. Okay, then is the 40 plus 40 where T is the thickness of thinner connected plate. Expose the corrosive influence. So these are the specification of the bolted connection. Ki how to use the bolt, how to use the bolt diameter, how much bolt diameter, the thickness, holes, size, all are the given, all are the details given in the your IS code. So these are the specification. There are types of bolted connection. This is the lap joint and butt joint. You all are known. Okay, the lap joint is the simplest type of joint. It is plate to be connected overlap one other. Okay, this is a butt joint. You all they already discussed in the previous class. Okay, the against each other and the connection is made by provide a single cover plate and double cover plate. Mother either side and on another side in the both side. These are the given bolted joint. This is already read the rivet, but in this is a bolted joint. Okay, how to use the bolt in lap and butt joint? Okay, this is a single line bolting. This is a figure of the lap joint. This first one is the single line bolting, and this is a double line is a butt joint. Use the cover plate in the one sided. This is a single cover butt joint, but the bolting is a two side. Yes, thank you. Any doubt from their bolted connection? Rivet and bolted connections are complete. किसी को डाउट है रिवेट एंड बोल्ट से? एनीवन? आप प्रॉब्लम करेंगे तब पता चलेगा। या गुड। एक्चुअली ये तो थ्योरी पार्ट लोगों का फर्स्ट में थ्योरी पार्ट से है क्योंकि इससे भी तो लोग क्वेश्चन आता है। ठीक है तो दिस इज द देन और द वन कनेक्शन वेल्डेड कनेक्शन this is a welded connection. So what is welded connection? Can you batayega? Welding samajhte ho sab log? Kya? Yes sir. Yes sir. Welding kaise hota hai? This is a part of the mechanical engineering.
welding connection is the process of joining the two pieces or metal by creating a strong metallurgical bond between them by heating or pressure of both. And this welded connection are called welded connection. Joining connection are called welded connection. मतलब तुम लोग कोई भी चीज मेटल को टू मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं. जो उसका रॉड होता है जो वेल्ड कर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेल्डिंग रॉड. वेल्डिंग रॉड मतलब क्या रहता है वो? कौन सा मेटल रहता है वो तो पता है कि वेल्डिंग रॉड होता है. कोई बताओ. क्या रहता है वो? Maybe नायक्रोम रोड होता है. क्या होता है? माइल्ड स्टील रहता है शायद. माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील तुम उसको कर दोगे. वाह गुड. मतलब माइल्ड स्टील तुम हीट करके उसको ज्वाइन कर दोगे. इलेक्ट्रोड रहता है ना वो. दिस द इलेक्ट्रोड मेटल वायर. किस टाइप का रहता है वो? बताओ. तुम लोग कितना देखे होगे उसको. तुम लोग सर लंबा लंबा रहता है सर. गोल गोल रहता है सर. अगरबत्ती से थोड़ा बड़ा रहता है सर. हाँ वो तो स्पेशली दिस इज इलेक्ट्रोड मेटल. अलॉय का सर. क्या अलॉय सर? तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. क्या बोल रहे हो? अलॉय. क्या बोले? अलॉय का सर. एलॉय? नो नो. एलॉय कैसे होगा? रोशन तो बोले इलेक्ट्रोड रहता है. इलेक्ट्रोड मटेरियल रहता है. इलेक्ट्रोड देखिए इलेक्ट्रोड कैसा होता है वो सब लोग देखा होगा. यस सर. लंबा से पतला. तो उसमें क्या क्या उसका कॉम्पोजिशन क्या रहता है उसका? एक कोई बोला ना एलॉय. कौन बोला एलॉय? एलॉय कौन बोला था? यस. दिस इज अ मिक्सर. दिस इज अ मिक्सर ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ द दिस इज इट. दिस इज इलेक्ट्रोड वायर. ठीक है. दिस इज अ वायर. एलॉय स्टील रॉड आयरन इज ऑल आर अ मिक्सर ऑफ द वेल्डिंग रॉड. ओके. This is a state of the stick. Yes, this is just called a stick electrode. Okay, this is the use for the welded connection is joined to this metal. Okay, by creating a strong metallurgical bond. After the join two piece, two metals, you create a strong metallurgical bond between them, heating and pressure of both. This is called welded connection. This is a fillet weld. A fillet weld used to fill the edge of plates created by corner lap of T-joint. This is a fillet weld. And the filler material is used to provide a cross section approximately the shape of the right angle. Okay, the filler material is used to provide cross section approximately the shape of the right angle. Then now, it is the most common weld type is arc. And oxy-fuel welding, because it requires minimum edge preparation, the basic square edges of the plate are used. Use of the fillet weld and filler metal. The fillet welded can be single or double. They are welded on the one side or both. Okay. This can be continuous and intermittent. The welded with the entire length of joint or with the unwelded space along the length. This is the fillet weld. The fillet weld also can be used for single or double, and one side and the other side. It's a both. This is the welded connection. There are these type of types of welds.